राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड, लेकिन उस 190 वर्ष में भी 1757 1947 के बीच का भी एक विशेष समय में आज से आरंभ कर रहा हूँ। उस कालखंड में बहुत से क्रांतिकारियों का आपको दर्शन होगा। काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रगार, कांड, काकोरी कांड, ये युग जो था सन 1916 से 1934 1916 से 34 तक, और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उस समय के भी कुछ क्रांतिकारी लोगों को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। और ये 16 से 34 में देखिए कितने वर्ष होते हैं, केवल 18 वर्ष। इन 18 वर्षों में कम से कम मैं 200 एपिसोड और 400-500 क्रांतिकारी आपके सामने लाने जा रहा हूं। आइए आज शुरुआत करते हैं। ऐसे ही इसी कालखंड में अंबिका चक्रवर्ती, श्री अंबिका चक्रवर्ती और श्री अर्धेंदु दस्तीदार, ये दो नाम पूर्ण रूप से अज्ञात, कोई नहीं जानता, पर आइए इनके कारनामों को देखें हम। मास्टर सूर्य सिंह का नाम सब लोगों ने सुना है, कई एपिसोड में दे चुका हूं। विलक्षण कमाल के क्रांतिकारी, खुद तो फ्रंट लाइन पर रह करके वो सारी योजना बनाने से लेकर उसको अंतिम स्थिति तक ले जाने का कार्य करते ही थे, परंतु उनके नेतृत्व में कितने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी, बाल बालिकाएं, युवक युवतियां उनके इशारे पर काम करती थी और जान हथेली पर रखकर जूझ जाती थी। क्या कमाल का व्यक्तित्व रहा होगा मास्टर सूर्य सेन का। सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रगार कांड के लिए अपने जिन साथियों को चुना, ऐसे उनमें अर्धेंदु दस्तीदार और अंबिका चक्रवर्ती भी थे, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। नियत तिथि पर अभियान के कुछ दिन पहले अर्धेंदु दस्तीदार बम बनाते हुए बुरी तरह से घायल हो गया, बहुत बुरी तरह से, लेकिन फिर भी उसने शस्त्रगार आक्रमण में भाग लिया और पूरी सतर्कता के साथ, वो सब करके दिखाया जो बाकी साथी कर रहे थे। पुलिस और फौज से जो हथियार, जिस हथियार खाने को लूटा गया था, क्रांतिकारी लोग अब किसी सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंचने के लिए जा ही रहे थे, पहुंचना चाहते थे। अर्धेंदु दस्तीदार को रास्ता मालूम था, हर कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, चलिए, वो रास्ता मालूम था अर्धेंदु दस्तीदार को। वे रात्रि के अंधकार में अपने साथियों का पथ प्रदर्शन करता हुआ उन्हें, अपने साथियों को सुलग बहर पहाड़ी पर ले गया।
प्रत्येक क्रांतिकारी के पास हथियारों का बोझ भी तो था जो लूटे हुए थे। 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर फौज के साथ हुए युद्ध में अर्देंदु दस्तीदार और अंबिका चक्रवर्ती जिन्होंने भाग लिया था, लेकिन अर्देंदु दस्तीदार और उसको अर्देंदु को इतने सारे घाव लगे हुए थे उस युद्ध के अंदर, पहले भी घाव थे और उस युद्ध के अंदर अर्देंदु दस्तीदार को और काफी घाव लगे। उसकी एक बाह में गोली लगी और गोली लगने के कारण ही हाथ की एक उंगली भी टूट गई, चली गई। उसके गुर्दे के बाईं तरफ भी एक घातक घाव हो गया। उसकी जांग में घाव तो पहले से ही था, इतने घाव होने के कारण ही वे अपने साथियों के साथ उस समय नहीं जा सका जब अंधेरा हो जाने के कारण बाकी लोग चले गए थे, वो स्थान छोड़कर वो नहीं जा सका। अंबिका चक्रवर्ती भी अधिक घायल हो जाने के कारण युद्ध स्थल नहीं छोड़ सका। 23 अप्रैल को जब फौज की टुकड़ी पहाड़ी पर पहुंची तो उन लोगों ने अर्धेंदु दस्तीदार और अंबिका चक्रवर्ती को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को हॉस्पिटल भिजवाया गया। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि अर्धेंदु दस्तीदार बच नहीं सकेगा, मरने के पहले वह उससे अंतिम बयान लेकर क्रांतिकारियों के भेद मालूम किए जाए। स्वाभाविक रूप से पुलिस वाले यही करते हैं। उससे भांति भांति प्रकार की पूछताछ की गई अर्धेंदु दस्तीदार से, हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, समझ सकता है हर कोई कितने भयानक होते हैं वो। अर्धेंदु दस्तीदार ने अपने विषय के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी पुलिस को देने से इनकार कर दिया। कुछ भी कर लो भाई, मैं अपने बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन और किसी का मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ये संघर्ष चल रहा था। 23 अप्रैल की रात को ही 1:50 पर अर्धेंदु दस्तीदार ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अर्धेंदु दस्तीदार बहुत उग्र विचारों का युवक था, राजनीतिक मामलों में अपने पिता से कुछ मतभेद हो जाने के कारण वो कभी गांधीवादी बन जाते थे, कभी सोशलिस्ट बन जाते थे, कभी कुछ। उनसे मतभेद था तो इसके कारण से अर्धेंदु दस्तीदार ने घर को ही त्याग दिया था और घर को त्याग कर मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में चल रहे क्रांति दल में भाग लेना शुरू कर दिया था। भाग लेते लेते हर क्रांतिकारी की अंतिम इच्छा यही होती थी कि हम फांसी के तख्ते पर झूल जाएं या हम लड़ते हुए मुकाबला करते हुए युद्ध में काम आ जाएं। इस प्रकार की कामना करने वाले ऐसे अनेक युवकों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अरे सब कुछ निशावर करने वाले, जान हथेली पर लेके चलने वाले, फांसी के तख्तों पर झूल जाने वाले, घोर नारकीय काला पानी की सजा भुगतने वाले, वही मरखब जान वाले, जेलों के अंदर लंबी कठोर सजाएं भुगतते हुए दम तोड़ने वाले, ऐसे सब लोगों ने देश की आजादी के लिए उस महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया और हमें बताया गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके थी। इससे बड़ा क्रूर मजाक और हो नहीं सकता।
जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ही ना थे, और जो सफर में थे वो जा रहे थे। इस आशा के साथ, इस संकल्प के साथ, इस कामना के साथ कि भारत माँ की गुलामी के बंबेड़ियों बेड़ियों को काटने के लिए हम अपना सर्वस्व निशावर कर देंगे, खुद कटना होगा तो कट जाएंगे, ऐसा भाव जागृत रखते हुए हमेशा के लिए चले जाने वाले। और इस संघर्ष में देखिए श्री अंबिका चक्रवर्ती और अर्धेंदु दस्तीदार कैसे घायल अवस्था में उस पहाड़ी पर टिके रहे। बाकी उनको कहा कि तुम जाओ, हम नहीं जा सकेंगे अंधेरे के अंदर। और सुबह जब फौज की टुकड़ी आई तो किस तरह से फिर मुकाबला किया, लेकिन मुकाबला करने की वो अवस्था नहीं रही थी जो पहले थी। पहले जो चटगांव शस्त्रकार को लूटने में और इस सारे कांड के अंदर जो फ्रंट लाइन पर रोल प्ले किया था। प्रश्न ये है कि ऐसे ज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात महान क्रांति वीरों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो फिर एक बात याद करा रहा हूँ, इन कांग्रेसों से कभी पूछना कि कांग्रेस का एक भी लीडर, एक भी जिसको फांसी की सजा मिली हो, जो काला पानी की सजा मिली हो, जिसको एक भी लीडर जो पुलिस की गोली से मरा हो, एक भी नहीं मिलेगा। और कहते हैं आज़ादी हमने दी, और जिन्होंने आज़ादी लेके दी, जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जिनको उनका इतिहास में कोई स्थान नहीं, उनका इतिहास में कोई स्थान नहीं। इन सबको इतिहास में स्थान देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए जो प्रयास राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से हो रहा है, लगता है ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।